नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया। आज हम आपको मिलवाते दिव्यांग साथी त्रिसाद से, जिसके प्रकृति ने पैरों को भी छीन लिया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। क्या नाम आपका? इरशाद। कहाँ के रहने वाले हो? जिला बागपत से। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में बहन है, भाई है और पिताजी है, सभी है मतलब, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया। अब आप क्या काम करते हो? जी भट्टे का काम करते हैं, ताकि 2 रुपये जोड़ ले और कुछ वक्त पे खाना मिल जाए। कितना कमा लेते हो? कमा लेता हूँ 100-150 रुपये, 200 रुपये बस। दो वक्त की रोटी नसीब हो जाती है? हाँ बस हो तो जा, लेकिन 2-4 घंटे का काम रुक के फिर अपना काम पे लग जाते, पूरा दिन लग जाता है काम पे, उसके बाद खाना मिल जाता है। सुबह किस टाइम आते हो काम पे? बहुत सी बार सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और ठंडी में काम करना पड़ता है। आप दिव्यांग जन्म से हो या बाद में हुए? थोड़ा बाद में हुआ हूँ। आपके लिए आपके परिवार की क्या अहमियत है? 0। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मतलब उनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अगर उनको मेरी अहमियत तो मालूम होती तो मुझे भट्टे पे काम नहीं करना पड़ता आज। आप कितनी उम्र में दिव्यांग हुए? जी 5 साल की उम्र में उसके कारण हुआ हूँ। देख लीजिए, ज़्यादा बच्चे होने के कारण पोलियो का ये हाल है, पोलियो पिला नहीं सके और आज इनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो? जी मैं 8वीं क्लास किया हूँ सरकारी से। क्या किसी ने आपका सहयोग किया? अब तक तो किसी ने सहयोग नहीं दिया। इस भाई के सहयोग के लिए आगे आए, इनको सहयोग की ज़रूरत है। अगर कोई भाई इस सहयोग इस किसता इनका, तो हम इनका अकाउंट नंबर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपसे संपर्क करने के लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। 70-55-56-44-65। किस बैंक का खाता नंबर है आपका? कैनरा बैंक का जी। एक बार खाता नंबर बता दें। 21-60-10-24-597। आपकी पेंशन बनी हुई है? हाँ जी। कितनी आती है? जी 500 आती है बस, एक महीना के यही के ज़्यादा से ज़्यादा पोलियो का ध्यान ज़रूर रखे, और जिस हाल में मैं आया हूँ रहता हूँ उसे कम से कम अपने बच्चों का ख्याल रखे, ताकि उन्हें मेरी जैसी ज़िंदगी ना देखनी पड़े।